पक्के हरियाणा के सभी वीडियोस पाए सिर्फ एक क्लिक पर। चैनल को सब्सक्राइब करें और फिर बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर इतना कॉन्फिडेंस है तो क्यों नहीं ओम प्रकाश जी चौटाला को उनका हक होते हुए भी बाहर निकाल देते? फिर देखते हैं तो पारिवारिक जो टूट हुई उसमें हमें ये चीज़ों का सामना करना पड़ा, क्योंकि वो लोकसभा के कहीं बहुत नज़दीक था। इंडियन नेशनल लोकदल एक नर्सरी मानी जाती है जहाँ से नेता तैयार होते हैं। नमस्कार, के हरियाणा पे आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ रमेश जाखड़ और इस वक्त मैं मौजूद हूँ डव्वाली विधानसभा के डव्वाली ही शहर में, जहाँ पे हम आपको मिलवाएंगे आज इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की महिला मोर्चा की प्रधान महासचिव सुनैना चौटाला से। अगर मैं कहूँ कि इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का एक और उभरता हुआ महिला चेहरा सुनैना चौटाला, इससे पहले आप जानते होंगे कि नैना चौटाला जो कि एकमात्र ऐसी महिला नेत्री थी जो कि इंडियन नेशनल लोकदल और चौटाला परिवार से बिलोंग करती थी। उनके बाद में जैसे ही जननायक जनता पार्टी बनी उसके बाद में सुनैना चौटाला एक ऐसा चेहरा है जो दिन प्रतिदिन उभरता हुआ चेहरा लोगों के सामने आ रहा है। लोकप्रियता इनकी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। चलिए अभी इनसे बातचीत करते हैं, चौटाला परिवार की दूसरी महिला नेत्री से। मैम, सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि एक समय था जब नैना सिंह चौटाला को मजबूरी में राजनीति में आना पड़ा, उसके बाद नैना सिंह चौटाला जी अलग हुए, आप राजनीति में आए, क्या कुछ कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप वो मैं ये बोलूँगी मजबूरी नहीं थी एक्चुअली में वो एक कोइंसिडेंस लगाए कुछ भी, तो परिवार ने ये डिसाइड किया था कि जो महिलाएं हैं काफ़ी पीछे हैं राजनीतिक तौर पे भी और वैसे भी अपने क्षेत्र की खास करके सिरसा, तो ये था कि अगर हम अपने घर की महिलाओं को आगे लेके आएंगे तो ऑटोमेटिकली महिलाओं में राजनीति के प्रति रुझान और अपने कार्य के प्रति रुझान बढ़ेगा। विधानसभा चुनाव सर पे हैं, बिल्कुल अभी महज 20 से 25 दिन का ही समय बचा है, तो ऐसे में आप इस समय में इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की क्या स्थिति मान? देखिए, मैं आपको बोलूँगी विधानसभा हो या लोकसभा हो, इंडियन नेशनल लोकदल का प्रत्येक कार्य का कार्यकर्ता जो है वो इतना मजबूती से जुड़ा है कि वो उसी वक्त से दिन रात एक कर लेता है जब से चुनावों की घोषणा होती है। आप देखेंगे जैसे जैसे ही चुनावों की घोषणा हुई उसके बाद से वो एकदम से सक्रिय हो गए। आप फेसबुक पे देखेंगे इंडियन नेशनल लोकदल का एक एक कार्यकर्ता सक्रिय है, और अभी जो पीछे 25 तारीख को स्वर्गीय आदरणीय दादाजी की जो सम्मान दिवस था उसमें भी आपने देखा होगा किस प्रकार से इंडियन नेशनल लोकदल के प्रत्येक कार्यकर्ता बिना कोई, ऐसा नहीं था कि पार्टी ने वो अरेंज किया था, वो लोग स्वयं पहुंचे थे। तो ये सारी चीज़ें दिखाती हैं कि इंडियन नेशनल लोकदल एकदम मजबूत और सशक्त है। मैम, अगर अभी तैयारियों की बात करें तो आपने कहा कि हर कार्यकर्ता तैयार है, ये जो वाक्या हमें लोकसभा चुनाव में भी देखने को मिला था, लेकिन इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का जब एमपी बने थे तो वो 1.5 लाख वोट से जीत करके बने थे, लेकिन इस बार अगर हम बात करें तो 1.5 लाख वोट ही नहीं आया इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी। देखिए, जो लोकसभा का चुनाव था वो एक तरह से कहते हैं ना, एक बरगला दिया गया था लोगों को, और वो सिर्फ दो चेहरों के बीच चुनाव था, एक नरेंद्र मोदी जी और दूसरे राहुल गांधी जी, और वहाँ पे राहुल गांधी जी को इतना क्रिटिसाइज्म सहन करना पड़ा था और उनको काफ़ी जो इन्होंने जो बीजेपी की एक नीति रही है सोशल मीडिया को लेके वहाँ पे उन्होंने इतना, फिर भी आपको मैं बताऊं लोकसभा में भी अगर बीजेपी आई ज़रूर है लेकिन उन्होंने कार्य के आधार पे अपने वोट नहीं मांगे हैं। ये आप एक कुछ ही लगा लो, दो चेहरों का चुनाव लगा लो, लेकिन जो विधानसभा का है वो अब एकदम टोटल पिक्चर चेंज हो चुकी है। दिन प्रतिदिन जो बीजेपी के नेताओं का चेहरा सामने आया है उससे लोग अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं। मैं इनेलो की स्थिति की बात करूं तो पहले इनेलो एक थी, उसके बाद में अब जननायक जनता पार्टी के अलग बनते ही इनेलो की स्थिति दिन प्रतिदिन खराब होती जा रही है। विधायक हैं या नेता हैं जो भी हैं वो पार्टी को छोड़ छोड़ के दूसरी पार्टियों में जा रहे हैं, तो ऐसे नेताओं के बारे में आप क्या कुछ कहना चाहेंगे जो इनेलो छोड़ चुके हैं? देखिए, ये दौर आज कोई पहली बार नहीं हुआ इंडियन नेशनल लोकदल में, जहाँ तक मैं जानती हूँ, मैं इतना बड़ी नेता तो नहीं हूँ लेकिन जो मैंने देखा है सीखा है, एक दादाजी को भी दादाजी नेता तैयार करते थे। इंडियन नेशनल लोकदल एक नर्सरी मानी जाती है जहाँ से नेता तैयार होते हैं,
तो जैसे स्कूल में विद्यार्थी आते हैं और फिर वो जब पास आउट करके चले जाते हैं और लेकिन वो हमेशा कहलाते वहीं के हैं, क्योंकि दसवीं की जहाँ आप देखेंगे हर जगह लगती है मार्क लिस्ट जो है, बारहवीं की लगती है। तो ऐसे ही मैं बोलूँगी, ये जो नेता लोग गए हैं, इनका एड्रेस इंडियन नेशनल लोकदल ही है। आप ये देखें कि देवेगौड़ा जी, लालू यादव जी, भजन लाल जी, बंसी लाल जी, जितने भी आप देखेंगे नेता जो हैं, तैयार इंडियन नेशनल लोकदल से ही होके गए। मैम, क्या आप मानती हैं कि इस बुरे वक्त में भी उन नेताओं को इंडियन नेशनल लोकदल का साथ छोड़ना चाहिए था, जो कि बहुत ज़्यादा विश्वास पात्र नेता थे, वही बाय बाय कह के इंडियन नेशनल लोकदल को चले गए? देखिए, बुरा वक्त की एक अच्छी बात होती है कि वो निकल जाते हैं, तो मैं ये मानती हूँ कि वो वक्त अब निकल गया। हाँ, ये मैं ज़रूर मेंशन करना चाहूँगी ये बात कि जो पारिवारिक जो टूट हुई, उसमें हमें ये चीज़ों का सामना करना पड़ा, क्योंकि वो लोकसभा के कहीं बहुत नज़दीक था ये जो इंसिडेंट्स हुआ उस समय ना हो कि ये अगर बहुत पहले हो जाता तो शायद अब तक पार्टी बहुत ज़्यादा ऊपर जा चुकी होती। लेकिन अब भी आप देखेंगे विधानसभा में भी, पहले तो मैं कहती कि 87 सीटें लेके आते, लेकिन विधानसभा में अब मैं इतना ज़रूर कहूँगी कि 60 से ऊपर सीटें आएंगी इंडियन नेशनल लोकदल के। जी, यस। मैम, अगर बात करें तो डबवाली विधानसभा पे पूरे देश की नज़रें ही रहेंगी, क्योंकि चौटाला परिवार जो दिग्गज परिवार है राजनीति के मामले में, उन चारों पार्टियों से चौटाला परिवार से ही कोई ना कोई कैंडिडेट आने की संभावना है। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी से आपकी संभावना जताई जा रही है, जननायक जनता पार्टी से नैना चौटाला की, तो नैना वर्सेज सुनैना क्या कुछ मुकाबला आप मानते हैं? देखिए, मैं हमेशा हर चैनल के माध्यम से, मैं जब भी मुझसे ये सवाल आता है, मैं कहती हूँ मैं मुकाबला देने ऐसे नहीं आई हूँ। मेरा राजनीति में आने का मकसद चुनाव लड़ना नहीं है, चुनाव तो हर कोई लड़ता है, एमएलए हर कोई बन जाता है, लेकिन मेरा मकसद है समाज के लिए कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकती हूँ। मेरा ये मानना है कि पहले अगर अच्छा समाज होगा वही एक अच्छा नेता दे सकता है। और रही बात इलेक्शंस की, तो जहाँ से पार्टी मुझे बोलेगी, अगर डवाली से भी अगर आप कहो कि भी नैना वर्सेस सुनैना, तो नैना वर्सेस सुनैना नहीं, INLD वर्सेस JJP होगा। चलिए मैम, अभी एक आदित्य चौटाला जो कि आप ही के परिवार से हैं, आदित्य देवीलाल लगाते हैं, उन्होंने कहा है कि, मैंने एक क्वेश्चन किया था उनसे कि इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी 33% महिलाओं को सीट देने की बात करती हैं, तो उनका साफ तौर पे यही कहना था कि ये बहुत मजाकिया सवाल पूछ लिया, INLO के पास महिलाएँ आने से कतराती हैं, वो INLO से दूर भागती हैं, तो ऐसा क्या कुछ कहना चाहेंगे इस पर? देखिए, मैंने उनका इंटरव्यू ये देखा नहीं है, अगर उन्होंने ऐसा कहा है तो मैं उसको हास्यास्पद बताऊंगी, क्योंकि इंडियन नेशनल लोकदल ही पहली पार्टी है जिसने महिलाओं को ये मंच दिया है, और आप देखेंगे सबसे ज़्यादा महिलाएं इंडियन नेशनल लोकदल की रैली में मिलती हैं, तो ऐसा नहीं है। वो पता नहीं उन्होंने किस बेसिस पे ये बात बोली, मुझे इस बारे में नहीं पता। मैम, अभी आपने बात की कि जजपा और INLO के बीच में चुनाव होगा, तो ऐसे में भाजपा और कांग्रेस भी आती हैं, क्योंकि चारों पार्टियां ही अपने चुनावी प्रत्याशी उतारेंगी और चारों चौटाला परिवार से ही होंगे, तो आपको क्या लगता है कि चारों पार्टियों में से इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी कहाँ खड़ी होगी? देखिए, आपने मुझसे सवाल नैना वर्सेस सुनैना किया था, इसीलिए मैंने दो पार्टियों का नाम लिया। बाकी मेरा मानना है कि जितनी भी पार्टियां हैं, कोई भी आए, लेकिन जो दादाजी स्वर्गीय चौधरी देवीलाल से, जो जिनके उनकी विचारधारा से जो संबंध रखते हैं, ताल्लुक़ रखते हैं, वो इंडियन नेशनल लोकदल के साथ हैं और हमेशा रहेंगे। और आप देखेंगे कि इंडियन नेशनल लोकदल ही एक ऐसी पार्टी है जिसको लोग याद अब करने लगे हैं, क्योंकि जन कल्याण की जितनी भी नीतियाँ चलाई वो इंडियन नेशनल लोकदल ने चलाई हैं। आप अभी देखेंगे पीछे ट्रैक्टर का बहुत बड़ा मुद्दा हमारे सामने आया था, आप ही थे, आपने रवि का भी इंटरव्यू लिया था, क्योंकि जिस किसान को दादाजी ऊपर उभारना चाहते थे उस किसान को आज BJP सरकार मारना चाहती है। तो हमारे पास बहुत से ऐसे मुद्दे हैं सरकार के जिनके बेसिस पे इंडियन नेशनल लोकदल चुनाव लड़ेगी और अवश्य इस विधानसभा में जीतेगी। मैम, दिग्विजय चौटाला जो कि जननायक जनता पार्टी से हैं, और दुष्यंत चौटाला भी, लगभग ये बयान आता था कि विधानसभा चुनाव के बाद में INLO की स्थिति ये हो जाएगी कि एक थी INLO, यानी कि INLO के भविष्य पे सवाल उन्होंने उठाए हैं, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्या स्थिति रहने वाली? देखिए, ये
पार्टी जो एक विचारधारा है दादाजी की, ये कभी भी ख़त्म नहीं हो सकती। सबसे पहली बात ये थी में तो हो ही नहीं सकती है, क्योंकि इस पेड़ की जड़ें बहुत गहरी हैं। और दूसरी बात, मुझे नहीं पता वो मतलब ऐसे क्यों कह रहे हैं, वो बच्चे हैं लेकिन निकले वो भी इंडियन नेशनल लोकदल से ही। इनेलो का भविष्य आप क्या मानते हैं? इनेलो का भविष्य, इनेलो ने ऐसी स्थिति आज नहीं पहले भी बहुत बार देखी है, और आपने हमेशा देखा होगा जितना इनेलो प्रेशर में होती है नेक्स्ट टाइम उतना ही ऊपर उठ के इनेलो आती है। तो आप इतिहास भी देखेंगे पीछे तो ये आपको सब पता चलेगा। और अभी इनेलो के पास ऐसा नहीं है कि नेता नहीं है या और नहीं, जो नेता हैं उन्होंने सम्मान इतना दिया नेताओं को कि नज़रों में ऐसे आ जाता है कि जैसे हर पार्टी में होते हैं लेकिन हर पार्टी उनको इतना सम्मान नहीं देती है जितना इंडियन नेशनल लोकदल अपने प्रत्येक कार्यकर्ता को, अपने प्रत्येक नेता को सम्मान देती है। मैम, विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी पे कि इनेलो का अब कोई जनाधार नहीं रह गया है, ऐसे में विधानसभा चुनाव में लगभग जो नेता हैं जो प्रत्याशी होंगे उनकी जमानत जब्त होगी। देखिए, मैं जो भी ये कह रहे हैं मैं उनको बोलूँगी, एक बार आप 25 की रैली ज़रूर देखें, अगर आपने नहीं देखे हैं तो फेसबुक्स पे या जहाँ पे भी। तो ऐसा है ही नहीं कि इंडियन नेशनल लोकदल का जनाधार नहीं है, इंडियन नेशनल लोकदल का जनाधार और बढ़ेगा। किस तरह से मैम, किस तरह से तैयारियां आप कर रहे हैं आने वाले विधानसभा चुनाव में? बहुत सारे मुद्दे हैं, सबसे पहला मुद्दा आप देखेंगे कि नोटबंदी जो बीजेपी ने की, जो बेरोजगारी की मार आज बच्चों पे है, आज हमारे नौजवान जितने भी बच्चे हैं रोजगार को तरसते हैं, बेरोजगार हो रखे हैं, इधर उधर सर मारते घूमते हैं और ये मतलब कोसते हैं सरकार को, पहला मुद्दा। दूसरा GST की मार, बिना सोचे समझे इन्होंने ये सारे कर एक आम आदमी के ऊपर दे दिए। महिलाओं की यदि मैं बात करूं तो यदि सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक का जितना भी कार्य करती हैं वो GST भर भर के उनका बजट बिल्कुल गड़बड़ा गया है। तीसरी बात, जो इन्होंने झूठ बोला कि 15-15 लाख खाते में आएंगे, ये जग जाहिर बातें हैं, ये कोई बनाई हुई बातें नहीं है, ये मुद्दे हैं जो सच हैं। चौथी बात, जो महिलाओं के ऊपर, यदि मेरा क्षेत्र महिलाओं का है तो मैं बात करूं तो आए दिन उन पे लाठी चार्ज होना। पांचवी बात, आप देखिए अभी क्लर्क के जो इन्होंने एग्जाम्स लिए, तो आप देखेंगे कि मेरी बेटियों को 200-200 किलोमीटर का उन्होंने रखा, जबकि जो सिरसा के नज़दीक थे वो सिरसा दे सकते थे, इनको तो भादुरगढ़ जाना पड़ा, जो भादुरगढ़ वाले फरीदाबाद वाले उनको सिरसा आना पड़ा। तो ये इनके बहुत ही मिसमैनेजमेंट जिसके कारण आम जनता बहुत तंग हुई। फिर वहाँ पे पहुँचने के बाद क्या हुआ कि कोई पेपर लीक हुआ है, आउट ऑफ सिलेबस है, ऐसे में ये बहुत ही गैर जिम्मेदाराना हरकत थी सरकार की, इसमें बच्चे डिप्रेशन में आके आत्महत्या तक कर सकते थे। तो एक ये रहेगा। अभी आप देखेंगे कि किसानों के लिए जो ट्रैक्टर गड्ढा घोषित कर दिया गया था, जो किसान एक अब किसान को भी टैक्स के दायरे में लाने की कोशिश की जा रही है, जैसे ऑनलाइन बिक्री इनको कराना, मतलब ये धीरे धीरे आ रहे हैं। और मुझे लगता है कि एक समय ऐसा आ जाएगा यदि बीजेपी सरकार इस बार विधानसभा में आ जाती है तो एक था किसान कर देंगे, जो कि ये किसान प्रदेश है हरियाणा प्रदेश जो है किसानों के लिए। तो बहुत सारे मुद्दे हैं, ऐसा नहीं है कि बीजेपी ने बहुत कुछ किया, उन्होंने काम कुछ भी नहीं किया है और नकारा सरकार है। मैम, आदित्य चौटाला का कहना है कि इंडियन नेशनल लोकदल, जननायक जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी, तीनों के जो नेता हैं वो मिल करके उनको दबाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो अकेले ही उन तीनों पर भारी पड़ने वाले। देखिए, कोई भी दरअसल किसी को दबा नहीं सकता, ये लोकतंत्र है ना, ये आवाज़ दबाने का काम तो मैं कहना चाहूँगी कि बीजेपी का ही है। आप देखेंगे, फिर से एक और मुद्दा आपने याद करा दिया, जो टीचर्स को, कंप्यूटर टीचर्स को जो उन्होंने पिटवाया, आवाज़ तो वो दबा रहे हैं। तो कभी भी ऐसी सरकार नहीं आई जिसने आवाज़ दबाने की कोशिश की, केवल और केवल बीजेपी ही ऐसी एक सरकार बनी है, पहली बार बनी है, शायद आखिरी बार ही होगा, और जो जिन्होंने ये आवाज़ दबाने का काम शुरू किया है। आप देखेंगे जो भी नेता थोड़ा सा भी बोलता है, लाओ जी चार्जशीट लगाओ, उनको अंदर करो। अगर इतना
अगर इतना कॉन्फिडेंस है तो क्यों नहीं ओम प्रकाश जी चौटाला को उनका हक होते हुए भी बाहर निकाल देते, फिर देखते हैं। तो मैं तो ये कहना चाहूँगी। मैं एक आखिरी सवाल ये करूँगा आपसे कि परिवार की जो फूट हुई उसके बाद में इंडियन नेशनल लोकदल का ग्राफ बहुत ज़्यादा नीचे गिर गया था एक समय में, इसी का परिणाम है कि लोकसभा में एक भी सीट नहीं आई। पिछले लोकसभा में 2 सांसद इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के थे। मुख्य कारण क्या मानते हैं आप? इनेलो का जो पारिवारिक फूट हुई वो ठीक हो गई, उतने तक सीमित रह जाता, लेकिन जननायक जनता पार्टी बनना ही इंडियन नेशनल लोकदल के लिए नुकसानदायक था या केवल और केवल पारिवारिक फूट थी? इसमें मैं दोनों ही बातें नहीं मानूंगी। आप कांग्रेस का भी देखेंगे तो 10 के 10 आई हैं बीजेपी की। मैं फिर यही कहूँगी, ये था 2 चेहरों के बीच चुनाव और लोग समझ नहीं पा रहे थे। इन्होंने सोशल मीडिया के माध्यम से इतना प्रेशर, इतना माइंड ब्रेन वॉश कर दिया था सबका कि उन्होंने लग रहा था कि जैसे बीजेपी पता नहीं क्या। अभी मैं आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें और भी बता दूँ सेंट्रल गवर्नमेंट की भी, कि उन्होंने नोटबंदी सब चीज़ें करके और जो हमला हुआ था पुलवामा पे, उस हमले को उन्होंने भुनाया, ठीक है। और जो पीछे वाली सारी चीज़ें हैं वो लोग के दिमाग से लैप्स हो गई थी उस वक्त कुछ टाइम के लिए, लेकिन जब उन्होंने अब सोची ये बात तो मुझे लगता है कि लोगों को अब ये समझ आ गई। इसलिए मैं हर चैनल में जब भी आप किसी का भी मेरे से इंटरव्यू होता है, मैं हाथ जोड़ के ये हरियाणा प्रदेश की जनता से प्रार्थना करती हूँ कि लोकसभा जैसा जनादेश ना दें, अपने कैंडिडेट को देख के वोट करें। मैं ये नहीं कहती हूँ कि आपका कैंडिडेट इनेलो का ही अच्छा होगा या फलां पार्टी का अच्छा होगा, लेकिन मेरा ये कहना है कि आप अपने बच्चों का भविष्य देख के, आप अपने क्षेत्र का विकास देख के फिर वोट करें। कौन से कैंडिडेट आपको अच्छा विकास दे सकते हैं, आपकी बातें सुन सकते हैं। दूसरी बात, आपने मुझसे पूछा कि फूट, देखिए मैं यहाँ आपको ये कहना चाहूँगी कि पारिवारिक फूट अगर देखें तो ये बहुत रीसेंट हो गया था लोकसभा के जी, तब ये ज़्यादा दिख रहा है। अदरवाइज इस चीज़ का एक बार देखना, जो इंडियन नेशनल लोकदल है वो समस्त हरियाणा को अपना परिवार समझती है, ठीक है। उसमें कुछ मनमुटाव हुए, कुछ लोग गए, लेकिन अब वापस वो लोग आ रहे हैं। तो हमारा ये कहना है, पिताजी हमेशा ये कहते हैं जो भी अभी आ रहे हैं, जैसे जेजेपी से भी आ रहे हैं, तो पिताजी यही कहते हैं कि बेटा कोई नहीं, आपका घर है, आप चले गए थे, घर वापसी करने में शर्म नहीं होनी चाहिए। तो मैं ये मानती हूँ कि ये सब चीज़ें एक लोकसभा के नज़दीक हुई इसलिए इस चीज़ को ज़्यादा वो कर दिया गया। अदरवाइज जिन जो दादाजी से ताल्लुक़ रखते हैं, जो उनके विचारधारा को गहराई से सोचते हैं, वो कहीं पे भी नहीं गए हैं, वो आज भी हमारे साथ खड़े हैं। शुक्रिया सुनैना जी बातचीत के लिए। तो यहाँ पे आपको बता दूं कि सुनैना चौटाला ने साफ किया है कि पारिवारिक फूट जो इनेलो के गिरते ग्राफ का जिम्मेदार नहीं है, कांग्रेस पार्टी में भी कितनी ज़्यादा फूट है। लेकिन इसके साथ ही सुनैना चौटाला ने सभी मतदाताओं से ये अपील की है कि लोकसभा चुनाव की तर्ज पर वोट डालने के लिए ना जाएं, क्योंकि आने वाला समय अगर उसी तरह से हुआ तो आने वाला समय आपके बच्चों के लिए, आपके लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक हो सकता है। ऐसे में पहले कैंडिडेट का चुनाव करें कि कौन कैंडिडेट, कौन प्रत्याशी आपकी नीतियों की बात करता है, आपकी सहयोग की बात करता है, आपके मुद्दों की समस्याओं की बात करता है, उस प्रत्याशी को जिता करके विधानसभा में भेजने का बात करें का काम करें, चाहे वो इंडियन नेशनल लोकदल का हो, चाहे वो कांग्रेस का हो, या चाहे किसी भी पार्टी का हो। तो कुल मिलाकर के सुनैना चौटाला ने क्या कुछ तमाम इस इंटरव्यू में, इस साक्षात्कार में कहा वो आपने सुना। सुनैना चौटाला के दिल की बातें हमने आपसे रूबरू करवाई हैं। कैमरा सहयोगी मुकेश बेनीवाल के साथ रमेश जाखड़, के हरियाणा।